हेलो, दिस इज कमलेश आहुजा, आहुजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था और आज नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम क्रायोस्कोपिक टेक्निक भी बोलते हैं और ये मैंने पहले से इसलिए ड्रॉ कर रखा है क्योंकि लगातार दो वीडियो के अंदर मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये प्रेजेंटेशन दिया है और ये क्लियर है कि हम जिस कभी भी किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जाते हैं, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, मोलिलिटी बढ़ती जाएगी और मोलिलिटी बढ़ने के साथ साथ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट्स पॉइंट्स हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और ये रिलेशन आप हमेशा याद रखें कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने खाली बॉइलिंग पॉइंट ही लिखा था क्योंकि मैंने फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस किया नहीं था और आज हम फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले तो हम फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर, यहां से देखें आप, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ दैट लिक्विड हैव द सेम वेपर प्रेशर। डेफिनेशन रीड करने से ये आपको समझ में नहीं आएगी, मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैंने आपको शुरू पहले भी जब मैं ये चैप्टर डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर लिक्विड्स का होता है लेकिन उसके साथ साथ वेपर प्रेशर उन सब सॉलिड्स का भी होता है जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सब्लिमेशन प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स शो करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल आइस है। अगर आपके पास आइस है तो आइस में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है, आइस सॉलिड है और आइस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स। तो आइस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड और आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जांपल लूं तो आयोडीन सॉलिड, नेफ्थलीन, ड्राई आइस सॉलिड, सीओ टू को ही ड्राई आइस बोलते हैं। तो कोई भी लिक्विड बेसिकली मॉलिक्यूल है, अगर मेरे पास बेंजीन है तो उसमें बेंजीन मॉलिक्यूल है, वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल है, टॉलिन है तो टॉलिन के उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, एल्कोहल है तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है। तो मैंने क्या कहा, वाटर, मेरे पास अगर वाटर का सिंपल है तो वाटर के अंदर क्या है? वाटर के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स है और जब वाटर के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स है, अब मैंने वाटर को फ्रिज कर दिया और आइस में कन्वर्ट कर दिया तो आइस में भी H2O मॉलिक्यूल्स है। तो आइस इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे डायपोल अट्रैक्शन, वैन डेर वाल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होते हैं। तो आपको ये ध्यान, आप पहले इस चीज को माइंड में रखें कि किसी भी लिक्विड को हम अगर सॉलिडिफाई कर रहे हैं तो जैसे ही कोई लिक्विड सॉलिडिफाई हुआ तो वो कौन सी क्लास का क्रिस्टल बन गया, वो कौन सी क्लास का सॉलिड बन गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड, और उसका वेपर प्रेशर होगा। इसीलिए लिखा है लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ दैट लिक्विड, सॉलिड स्टेट ऑफ दैट लिक्विड। यानी वाटर अगर मैं बात करूं, यहां लिक्विड अगर मैंने वाटर लिया है तो यहां आइस हो जाएगा। चलो हम इसको एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास वाटर का सैंपल है, मैंने इसको आइस में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने इसको ये आइस में कन्वर्ट कर दिया, पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं।
ये वाटर और ये आइस। आइस क्या हो गई? आइस हो गई सॉलिड स्टेट ऑफ दैट लिक्विड। मैं क्या करूंगा? टेम्परेचर कम करूंगा। डेफिनेटली ये जिस भी टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 0 डिग्री पे लेके आऊंगा मैं। तो टेम्परेचर मुझे डिक्रीज करना है फ्रिज करने के लिए। और तो ये तो हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड स्टेट ऑफ लिक्विड। सॉलिड स्टेट ऑफ लिक्विड, यस। अब इसका ये पी नोट वाटर है, ये किसको डिनोट कर रहा है? वाटर के वेपर प्रेशर को। किसको डिनोट कर रहा है? वाटर के वेपर प्रेशर को। आइस क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। तो जब ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो गया तो इसका अपना वेपर प्रेशर होगा, आइस का भी वेपर प्रेशर होगा। बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आइस तो सॉलिड है, उसका वेपर प्रेशर कैसे होगा? तो मैंने क्लियर कर दिया, इनमें सब्लिमेशन प्रॉपर्टी है, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं। वेपर प्रेशर मेटल क्रिस्टल का नहीं होता है, कोवेलेंट क्रिस्टल डायमंड का नहीं होता है, आयनिक क्रिस्टल NaCl KCl का नहीं होता है, क्योंकि इनके जो इनके इंटरेक्शन होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, यानी इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स या इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एस्केप होके नहीं जाते हैं किनके? मेटेलिक क्रिस्टल के, आयनिक क्रिस्टल्स के और कोवेलेंट क्रिस्टल के। बट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से फोर्स रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, वीक फोर्स से बंधे हुए रहते हैं, इसीलिए एस्केप होते हैं। खैर, अब ये क्लियर है कि जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? आइस के कंपैरिजन में। तो अब होगा क्या कि हमको क्या करना है? हम जो फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही वेपर प्रेशर की एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो मैं जब वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे टेम्परेचर कम करना है। तो कब तक कम करना है? जब तक कि उसका वेपर प्रेशर कम होता हुआ आइस के वेपर प्रेशर के बराबर ना आ जाए। वापस सुनना, यहां से समझो आप, ये सिचुएशन है मेरे पास। अब मुझे, मैंने क्या किया, ये सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है अभी इस समय। सपोज करो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये सिचुएशन है। अब क्या होगा? ये हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा तो वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो मैंने जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो वेपर प्रेशर रिड्यूस होने लग गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होने लग गया? मैंने जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज किया, क्या डिक्रीज होने लग गया? वीपी विल डिक्रीज। वीपी मतलब वेपर प्रेशर। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस समय वाटर का जो वेपर प्रेशर है, वाटर वेपर्स का, वाटर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता होता
किसके बराबर हो जाएगा? आइस के वेपर प्रेशर के बराबर। ध्यान से सुने बेटा, यानी मैं इसका वेपर प्रेशर कम कर रहा हूं और ये वेपर प्रेशर कम होता जाएगा तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो टेम्परेचर के डिक्रीज, ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता हुआ आइस के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर ये सिचुएशन हमको कब मिलेगी? 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 273 केल्विन पर हमको ये वाली सिचुएशन मिलेगी, जब वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर, ध्यान दे, वाटर का वेपर प्रेशर घटता हुआ आइस के वेपर प्रेशर के बराबर है। ये वाटर का वेपर प्रेशर है, ये आइस का, ये आइस का वेपर प्रेशर, ये आइस का वेपर प्रेशर है और ये वाटर का वेपर प्रेशर है। तो हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो वाटर का वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है और वाटर का वेपर प्रेशर कम होते हुए आइस के वेपर प्रेशर के बराबर आ गया। अब पानी पानी नहीं रहा, बर्फ में बदल गया, यानी वाटर कन्वर्ट इंटू आइस, वाटर कन्वर्ट इंटू आइस, क्योंकि अब वो आइस वाले वेपर प्रेशर को रीच कर गया। तो अब आप इस डेफिनेशन को वापस ध्यान से पढ़ो, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है? फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ये रहा एंड सॉलिड स्टेट ऑफ दैट लिक्विड ये रहा आइस हैव सेम वेपर प्रेशर, यानी जब वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर में, आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। हम बोलते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब यह हुआ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ आइस। तो इस एग्जाम्पल से को जब आप ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे तभी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज आप रट लेंगे, रटने से कोई फायदा नहीं, फिर भूल जाएंगे आप, इससे तो आप अपनी खुद की डेफिनेशन बना लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि आपको ये समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर से, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अब वेपर प्रेशर से ये किस तरह से रिलेटेड है इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल, इसी तरह से एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा स्लो इसलिए हूं मैं कि इस पॉइंट पर बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, तो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर भी होते हैं तो उनको कभी कभी स्पीड मेरी कम लगती है, लेकिन मुझे, मेरी सोच ये रहती है कि एवरेज स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आ जाए। होता क्या है, एक वीडियो ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का एक्स्ट्रा बन जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, एक एवरेज स्टूडेंट भी उसको अच्छे से गेन करेगा, उसके लिए भी वो फ्रूटफुल बन जाएगा। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं सॉल्यूशन को, अब मेरे पास ये है सॉल्यूशन है, अब मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ये जो ब्लू डॉट्स है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को बता रहे हैं और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही हो जाएंगे, यानी वाटर के अंदर मेरे पास ग्लूकोज मिला रखा है, यानी मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं या इसकी बात कर रहा हूं, कोई भी एक ले लेते हैं एग्जांपल। ये तो ये था, तो अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो मैं क्या लिखूंगा, पीएस, मैं पीएस ही ले रहा हूं इसको यहां, क्योंकि मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये वाला, और ये पीएस आइस, यानी मैंने ये वाला लिया है और इसको आइस में कन्वर्ट कर लिया,
जब मैं इसको आइस में करूंगा तो अगर ये जो ब्लू वाले पार्टिकल है नॉन वोलेटाइल सॉलिड जितने यहां पर उतने यहां है, अगर यहां 100 पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉलिड के हैं तो वो 100 पार्टिकल यहां पर भी रहेंगे, वो तो अब इसी का पोर्शन है। सपोज करो ये यूरिया के पार्टिकल है तो यूरिया के पार्टिकल एज इट इज वाटर में रहेंगे, तो ये सॉल्यूशन है। तो मैं यहां कह रहा हूं ये वाटर है और ये प्योर वाटर है तो उससे ये आइस बन गए, और ये यूरिया का सॉल्यूशन है, यूरिया का वाटर में सॉल्यूशन है तो आइस तो बनी पर सॉल्यूशन वाली आइस बनी, यानी इसमें यूरिया के पार्टिकल्स, ये जो ब्लू पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये यूरिया के पार्टिकल है। अब अगर अपन इन दोनों आइस के सैंपल को कंपेयर करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखो ध्यान से, ये प्योर आइस है यानी इसका जो ये अपर सरफेस एरिया है, इसका जो ये अपर सरफेस एरिया है वो थ्रू आउट किससे कवर है, वाटर मॉलिक्यूल से, और वाटर मॉलिक्यूल एस्केप होंगे यानी यहां से जो वेपर निकलेगी वो ज्यादा तेजी से निकलेगी क्योंकि पूरा सरफेस एरिया वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अवेलेबल है, यानी ये चीज इससे भी समझ सकते हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर बहुत यहां पर इस आइस के सरफेस पर यूरिया के या ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के ये सोल्यूट भी अरेंज रहेंगे, अपनी पोजीशन बनाए हुए रहेंगे, दिख ही रहा है ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो क्या होगा, इसका जो ये अपर सरफेस एरिया है, इसका जो ये अपर सरफेस एरिया दिख रहा है जो अपन को, इस पे बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इस वजह से वोलेटाइल कंपोनेंट का सरफेस एरिया यहां कम है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने ये सारा ये भी 100 ग्राम वाटर लिया है, ये भी 100 ग्राम वाटर है, ये भी 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, खाली ये 100 ग्राम वाटर की आइस है, ये 100 ग्राम वाटर प्लस अगर मैंने इसमें 200 मॉलिक्यूल्स या 40 ग्राम जो भी यूरिया डाला है वो है, यानी इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सरफेस अपर सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, वही वाली बात है, खुद तो नहीं उड़ेगा लेकिन जिन पे बैठ गया उनको भी नहीं उड़ने देगा, यानी इस सिचुएशन से आप कंपेयर करो तो इसका जो वेपर प्रेशर है। तो अब मैं अगर इन दोनों की बात कर रहा हूं तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसके सरफेस से जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे वो कम निकलेंगे। तो ये हो गई सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गई सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं इन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो ये बहुत बहुत वेल क्लियर है कि पी नॉट आइस यानी ये वाला और पी एस आइस मतलब इसका ये वाला कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी अगर प्योर आइस का वेपर प्रेशर की बात करूं और सॉल्यूशन वाले आइस के वेपर प्रेशर की बात करूं तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। हम ये सब जानते हैं कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी गैस इक्वेशन है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर बाकी सारे कर तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। तो अगर ये वाला जो वेपर प्रेशर है, अब ध्यान से समझ जाए, यहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये वाला जो वेपर प्रेशर है, अगर ये वाला वेपर प्रेशर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है, ये वाला वेपर प्रेशर अगर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहा है, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आ रहा है, तो ये वाला वेपर प्रेशर कितने पे आएगा हमको, ये वाला वेपर प्रेशर हमको कितने डिग्री पे मिल रहा है, जीरो डिग्री पे मिल रहा है, तो ये वाला वेपर प्रेशर कितने डिग्री पे मिलेगा, इस वाले वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। इस वाले वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं तो ये वाला वेपर प्रेशर मुझे
डेफिनेटली जीरो से कम पे मिलेगा, क्योंकि ये वेपर प्रेशर ज्यादा है और ये वेपर प्रेशर कम है, तो ये वाला वेपर प्रेशर कहां आएगा, एट लेस देन जीरो। क्या लिखा है, लेस देन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला वेपर प्रेशर मुझे कब मिलेगा, अगर ये वाला वेपर प्रेशर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रहा है तो ये मेरे को वेपर प्रेशर लेस देन जीरो डिग्री पे मिलेगा, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा है। तो अगर ये वाला प्रेशर रीच, ये वाला प्रेशर मुझे जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर मिल रहा है, तो मेरे को अब प्रेशर और कम करना है, मेरे को प्रेशर और कम करना है टेम्परेचर कम करके। तो मेरे को ये अगर मेरे को जीरो डिग्री मिला है तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो वेपर प्रेशर है वो कहां आएगा, लेस देन जीरो डिग्री। तो इसका मतलब वाटर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो सॉल्यूशन आइस में जब कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो इसमें जब कन्वर्ट हो रहा है, तो जीरो डिग्री पे होगा कि लेस देन जीरो पे होगा, लेस देन जीरो पे होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये अगर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको मिला है, अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं मुझे ये वाला, मेरे को अब इस प्रेशर पे पहुंचना है, तो ये वाला प्रेशर और कम है तो मेरे को टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर चला गया, यानी वाटर का, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, जीरो डिग्री। और ठीक है ना, और ये कब आएगा, एट लेस देन जीरो डिग्री। तो अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री है तो इसका जीरो डिग्री से कम आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया, डिप्रेशन, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है यहां, तो ये सब सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल है। वाटर तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि अगर ये वाटर है तो इसका जीरो डिग्री होगा, तो ये हो सकता है ये माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड हो और ये माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड हो। यानी इस, अगर ये वाला वाटर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा है, तो ये जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया वो माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, इसमें और ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, वेपर प्रेशर और कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। तो आप इस फॉर्मूले को भी लर्न कर सकते हैं, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर अल्टीमेटली अगर मैं डिस्कस करूं तो सेवंथ वाला पॉइंट क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। यहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। और डिप्रेशन बढ़ रहा है, या जीरो से कितना कम हुआ वो डिप्रेशन है, जीरो से कितना कम हुआ, जीरो से कितना कम हुआ उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। जैसे फर्स्ट में जीरो डिग्री, वाटर का जीरो डिग्री है, अब उसी जो सॉल्यूशन फर्स्ट है मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो माइनस टू डिग्री हो गया, तो डिप्रेशन टू का हुआ, और इसमें तो यहां डिप्रेशन टू का, डिप्रेशन डेल्टा टीएफ, इसको हम डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं, डेल्टा टीएफ, ये डेल्टा टीएफ है, या डेल्टा टीएफ सॉल्यूशन का होगा, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, तो यहां डिप्रेशन कितना है, दो का और यहां पांच का, टू का है यहां और यहां फाइव का है। यानी मैं कह सकता हूं डेल्टा टीएफ विल इंक्रीज, डेल्टा टीएफ विल इंक्रीज। डेल्टा टीएफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ नॉट, सॉरी टीएफएस माइनस टीएफ नॉट, टीएफएस
फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएफ नॉट इज फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमेशा ध्यान रखें टीएफएस से ज्यादा बड़ा होगा टीएफ नॉट। मैं इस केस की बात करूं, इसका डेल्टा टीएफ निकालूं तो सॉल्यूशन का कितना लिया है मैंने -5, ये -5 माइनस इसका कितना है 0, तो डेल्टा टीएफ एस इज 0 तो ये 0 माइनस -5। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने डिग्री में क्यों रख दिया, सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड में क्यों रख दिया, केल्विन में रख लो। तो बेटा डिफरेंस दोनों में सेम आएगा, देख लो। अगर मैं इसको -273 ले लिया केल्विन और -5 डिग्री को अगर मैं उसमें कन्वर्ट करूंगा तो आ जाएगा 268, तो भी कितना आया 5। 273 0 डिग्री के बराबर है और 268 केल्विन -5 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो जब डिफरेंस निकालो तो डिग्री को सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में नहीं कन्वर्ट करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि डिफरेंस सही नहीं आएगा। अब यहां पर ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। यहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 का है और यहां 5 का है। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप जितना ज्यादा वाटर या किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते जाओगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। यहां पर वापस वही वाली बात आ जाती है, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पीएस। ये सब एक से एक दूसरे से रिलेटेड किस तरह से हैं वो आप यहां से समझ सकते हो। तो अब तक के डिस्कशन से ये बात तो क्लियर हो गई कि जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होते जा रहे हैं, उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी उसका डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ इज द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। नाउ डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। केएफ इज द मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ को हम क्या बोलते हैं, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय मोलेलिटी, और इसकी जो यूनिट हो गई वो केल्विन पर एम, स्मॉल एम मतलब मोलेलिटी। तो ये जो जो केएफ की यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ केएफ, यूनिट है केएफ की केल्विन पर मोलेलिटी। अब अगर किसी सॉल्यूशन की मोलेलिटी 1 है, किसी सॉल्यूशन की मोलेलिटी
वन है तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू सॉरी के एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी के एफ इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ। तो 10 मोलाल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इज द डिप्रेशन एंड फ्रिजिंग पॉइंट व्हेन मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। हम इसको एग्जांपल से और अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप देखें ये 1 kg सॉल्वेंट है, और वन केजी सॉल्वेंट दिस इज द 1 kg वाटर, सॉल्वेंट क्या ले रहा हूं मैं वाटर ले रहा हूं, और इस 1 kg सॉल्वेंट में मैं 1 mole सोल्यूट डिजोल्व कर रहा हूं, 1 mole ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 1 mole ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब मैं इसे 1 mole नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड किया तो दिस सॉल्यूशन इज मोलाल सॉल्यूशन, ये मोलाल सॉल्यूशन बन गए, दिस इज मोलाल सॉल्यूशन। या लिख देते हैं मोलाल सॉल्यूशन, दिस वन इज मोलाल सॉल्यूशन। अब यहां पर इस सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 होगी। अब अगर मैं यहां डेल्टा के एफ इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ अपॉन मोलालिटी, नाउ मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1, 1 mole of non-volatile solute present in 1 kg of solvent. अभी pure water है, तो इसका freezing point कितना होगा? 273 Kelvin. और 0 degree centigrade. अब question ये है कि इस molar solution का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली लेस देन 0 degree सेंटीग्रेड, क्योंकि जैसे 1 mole सॉल्यूट गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गया, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। और तो हमने ये एक पास सॉल्यूशन है, तो हमने इसका जो ऑब्जर्व वैल्यू है, इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू और -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड आया, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड आया। इसका मतलब यहां पर जो डिप्रेशन आया वो 1.86 डिग्री का आया। डिग्री डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया, तो अगर मैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड आउट करूं तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर हो गया यहां, और सॉल्यूशन, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 273 माइनस 271.14, therefore 1.86. जो डिप्रेशन आया
ये जो डिप्रेशन की वैल्यू आई वो आई 1.86। तो जब मोलाल सॉल्यूशन है, मोलिलिटी 1 है, तो उस केस में डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.86 आई। तो मैं अब मैं इसके इस सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू मेरे पास 1.86 है। ये दोनों वैल्यू मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगा तो केएफ क्या आ जाएगा, केएफ आ जाएगा 1.86 डिवाइड बाय 1, क्योंकि मोलिलिटी की वैल्यू 1 रख दी मैंने यहां और ये 1.86 यहां रख दिया। यूनिट लगा दूंगा केल्विन पर मोलिलिटी, देयरफॉर केएफ इक्वल्स टू 1.86 तो यहां पर केएफ की वैल्यू मोलाल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1.86 है। तो यहां पर क्या लिया हमने, 1 मोलाल सॉल्यूशन लिया, मोलिलिटी 1 लेके और फिर उससे केएफ की वैल्यू निकाली। तो वाटर के लिए केएफ की जो वैल्यू आई वो आई 1.86। तो तो मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो देखो आप मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो ये वाला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट या हम वाटर ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो आपको प्रेजेंटेशन, इसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने 1 केजी वाटर लिया, 1 केजी वाटर के अंदर 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, मोलाल सॉल्यूशन बना लिया। अब हमने इसकी वैल्यू ऑब्जर्व की, अब हमने इसकी वैल्यू ऑब्जर्व की तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो आया 271.14, मतलब इसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया वो आ गया 1.86, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो आ गया -1.86 और ये जो डिप्रेशन आया 1 मोलाल सॉल्यूशन का ये ही किसको डिफाइन कर रहा है, सॉरी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को। तो इस डेफिनेशन से क्लियर है मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे क्लियर हो गया आपका कि केएफ क्या है। फिर मैं क्लियर करूं केएफ जो डिपेंड करेगा, केएफ जो डिपेंड करेगा वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, जिस तरह से केपी की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है उसी तरह से केबी की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है उसी तरह से केएफ की वैल्यू भी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगी। यानी केएफ फॉर वाटर इज 1.86, इसी तरह से बेंजीन की कोई दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, पेट्रोल के लिए, एसीटोन के लिए, इथाइल एल्कोहल के लिए, इन सब के लिए केएफ की वैल्यू अलग अलग होगी। केएफ की वैल्यू इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगी, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये यूरिया होगा तो भी आंसर यही आएगा -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड और डेल्टा टीएफ की वैल्यू, और फिर डेल्टा टीएफ की भी वैल्यू ये आएगी और केएफ की भी, ये तीनों वैल्यू ये और ये, यानी डेल्टा टीएफ जिस पे मैं ब्लू राउंड लगा रहा हूं ये सारी वैल्यूज फिक्स आएगी, ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये यूरिया होगा तो भी यही आएगी तीनों वैल्यूज, ये ग्लूकोज होगा तो भी यही आएगी, ये सुक्रोज होगा तो भी यही आएगी,
यानी ये सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है, ये तीनों वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अगर हमने 1 मोल यूरिया डाल रखा है तो भी फ्रीजिंग पॉइंट यही आने वाला है, 1 मोल ग्लूकोज डाल रखा है तो भी फ्रीजिंग पॉइंट यही आने वाला है, 1 मोल सुक्रोज डाल रखा है तो भी फ्रीजिंग पॉइंट -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड ही आने वाला है, और केएफ की वैल्यू भी यही आने वाली है क्योंकि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है केएफ की वैल्यू। तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी केएफ की वैल्यू। सॉल्यूट आप कोई भी डाल रहे हो उससे केएफ चेंज नहीं होगा गिवन सॉल्वेंट के लिए। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है तो सॉल्वेंट के किन पैरामीटर्स पे, किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो ये हम केएफ के फॉर्मूले से पता लगाते हैं। जो केएफ का थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला है, केएफ इक्वल्स टू आर इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर 1000 इंटू, तो केएफ क्या है, गैस कांस्टेंट, M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर है तो ये 18 हो जाएगा, TF स्क्वायर, TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर है तो यहां 273 हो जाएगा, 1000 एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये जो टर्म है, दिस टर्म इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ सॉलिड 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करना है। वन मोल ऑफ सॉलिड, तो डेफिनेटली हमको क्या देनी पड़ेगी, हमको हीट देनी पड़ेगी। वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कब, एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, TN इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर जब 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो जो हीट एब्जॉर्ब होती है, दिस हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान से देखो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इंटू 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इन 3 पैरामीटर्स पर केएफ की वैल्यू डिपेंड करती है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि वो सॉल्वेंट के किन पैरामीटर्स पर केएफ की वैल्यू डिपेंड करेगी, तो आप नंबर 1 लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ये तीनों मिलके केएफ की वैल्यू को डिसाइड करते हैं, केएफ इन 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। अब ये बात क्लियर हो गई, हम इसके एप्लीकेशंस में आते हैं। इसकी जो एप्लीकेशंस है, अभी क्लियर हो गया कि जैसे सी वाटर है तो सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, -0 डिग्री, क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में बेसिकली ये सॉल्टी वाटर है, तो सी वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो ऑर्डिनरी वाटर से, प्योर वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर से कम है। तो वाटर जो सी वाटर की जो आइस होगी उसका टेम्परेचर -0 डिग्री होगा, नंबर 1। अगर ये हम एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं कि आप 2 ग्लास ले लो, एक ग्लास के अंदर डिस्टिल वाटर डाल दो या ऑर्डिनरी वाटर ही डाल दो और दूसरे ग्लास के अंदर वाटर डाल के उसमें 2-3 चम्मच आप नमक डाल दो और उसको फ्रीजर में रख दो, आप 2-3 घंटे तक फ्रीजर में रखो, उसके बाद 2-3 घंटे बाद जब आप फ्रीजर से दोनों ग्लास बाहर निकालोगे तो जिसमें आपने नमक डाला है उसके अंदर बर्फ नहीं मिलेगी, और बर्फ मिलेगी भी, आइस मिलेगी भी, तो उसका अमाउंट कम होगा, आइस कम सेपरेट होगी वहां से, या उसमें आइस या
या तो बनेगी नहीं, और बनेगी तो उसमें से आइस कम ही नजर आएगी आपको। लेकिन जो जो आपने ऑर्डिनरी वाटर है, जो प्योर वाटर डाला है आपने, वो फुल्ली सॉलिडिफाई होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रिजिड पॉइंट डिप्रेशन से क्या हो गया, हम टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको एक यहां पर जो दोनों लिखा हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो सब जीरो वेदर्स वाले एरिया होते हैं, यानी सब जीरो वेदर्स वाले एरिया का मतलब ये हो गया जहां का टेम्परेचर माइनस डिग्री, माइनस टेन, माइनस फाइव, माइनस में चलता है। रशिया साइड हो गया, अफगानिस्तान, लद्दाख, कश्मीर में भी काफी ज्यादा बहुत बार माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो हम इन एरियाज को सब जीरो वेदर एरिया कहते हैं। अब यहां पर जो व्हीकल्स चलते हैं तो इनके रेडिएटर के अंदर जो वाटर फ्लो करता है, वो वाटर के अंदर हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट डालते हैं। तो मैं इसको एक सिंपल ऑर्डिनरी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं कि हम लोग अगर लद्दाख साइड कहीं घूमने गए और अपनी कार लेके चले गए, तो हम जब वहां कार पार्क करके और नाइट स्टे करेंगे तो मॉर्निंग में हमारी कार स्टार्ट इसीलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे रेडिएटर के अंदर ऑर्डिनरी वाटर होगा या कूलेंट भरा हुआ होगा, तो वो रेडिएटर के अंदर फ्रीज होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, हमारी व्हीकल स्टार्ट नहीं होंगे। तो जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए सब जीरो वेदर वाले एरियाज के अंदर जो रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट या वाटर होता है उसके साथ एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाल देते हैं। इसके अंदर हम कुछ ऐसे सोल्यूट डाल देते हैं जो उसके फ्रिजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। जो सबसे बेस्ट जो कॉमर्शियली यूज होता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। बेसिकली इथाइलिन ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक एल्कोहल है जिसका फॉर्मूला CH2OH है। जब ये वाटर में मिला देते हैं अपन इथाइलिन ग्लाइकोल को, तो वाटर का फ्रिजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर रेडिएटर में या किसी सिस्टम में वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन भरा हुआ है और वो सिस्टम या ये वाला जो सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर का, वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होता, वो अपनी लिक्विड स्टेट मेंटेन कर लेता है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो चुका है। तो इसीलिए हम व्हीकल्स के अंदर रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल का एक्वस सॉल्यूशन भर देते हैं, तो हम इस प्रॉब्लम से निजात पा लेते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करनी पड़ती है। सेकंड, अब सब जीरो वेदर वाला जो एरिया है वहां पर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है वहां के रोड्स पर स्नो, बर्फ जम जाती है। हम अधिकतर न्यूज में और इनमें देखते हैं कि श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद पड़ा है क्योंकि उस पर बर्फ जम गई है। और तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए इन हाईवेज पे जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है वहां पर कॉमन सॉल्ट या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉमन सॉल्ट या फिर एनहाइड्रस CaCl2 का स्प्रेड उस रोड पर स्प्रेड कर देते हैं। अब ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो अब वहां पर जो वाटर आ रहा है या जो वाटर कंडेंस हुआ है वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, भले वहां टेम्परेचर -3 और -4 डिग्री भी हो जाए, क्योंकि ये उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और उस वो जो सॉल्यूशन बन गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट -0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, रोड पे स्नो नहीं जमती है, हमेशा रोड क्लीन रहते हैं। आप देखते होंगे कभी टीवी के अंदर न्यूज में या कहीं पे भी, तो जो व्हीकल्स रोड पे चल रहे होते हैं तो रोड तो बिल्कुल क्लियर होती है और दोनों तरफ काफी सारी बर्फ जमी रहती है। उसका रीजन यही है कि उस रोड के ऊपर कॉमन सॉल्ट या एनहाइड्रस CaCl2 को रेगुलर स्प्रेड करते रहते हैं तो वो रोड क्लियर रहते हैं। तो ये एक कॉमन एप्लीकेशन मैंने बताई है। और तीसरी जो एक और कॉमन एप्लीकेशन है जो आप एवरीडे लाइफ में स्पेशली समर में देखते हैं, जो वेंडर्स होते हैं जो आइसक्रीम को जमाते हैं, खुद होममेड आइसक्रीम बनाते हैं या खुद, मतलब मेरे कहने का मतलब वेंडर्स जो आइसक्रीम बनाते हैं, तो आपने देखा होगा उनका जो ठेला होता है, वेंडर जो होता है वो क्या करता है, जिस बॉक्स के अंदर वो आइसक्रीम
फ्रिज करता है, आइसक्रीम बनाता है, तो उसको बर्फ पहले आइस को अच्छे से क्रश करके और फिर उसके चारों तरफ उस बॉक्स के चारों तरफ लगा देता है। उस मतलब मेरे कहने का मतलब वो है जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको चारों तरफ से कवर कर दे, वो जो बॉक्स है उस बॉक्स को चारों तरफ से छोटे छोटे आइस क्यूब से वो कवर कर देता है और फिर उसमें सॉल्ट डाल देता है, नमक डाल देता है। तो आप सोचते होंगे वो नमक क्यों डाल रहा है, बेसिकली वो सॉल्ट इसीलिए डाल रहा है क्योंकि सॉल्ट डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो एक तरह से सॉल्टी वाटर बन जाएगा और सॉल्टी वाटर का टेम्परेचर माइनस में भी जाने पर वो एक तो फ्रिज नहीं होता है, या मैं ये कहूं कि उसके नमक डालने से उस बॉक्स के जो चारों तरफ जो टेम्परेचर है वो जीरो से भी कम हो जाता है, तो अंदर आइस बहुत जो सॉरी अंदर जो आइसक्रीम है वो अच्छे से जम जाती है और उसका वो उसकी जो सॉलिडनेस है वो भी अच्छी मेंटेन रहती है। तो ये तीन एप्लीकेशन है, एक तो एंटी फ्रीजिंग रेडिएटर्स में एंटी फ्रीजिंग एजेंट ग्लाइकोल और ये डालते हैं, स्नो को क्लियर करने के लिए कॉमन सॉल्ट और CaCl2 रोड पे स्प्रेड करते हैं, और जो आइसक्रीम वाले हैं वो आइसक्रीम सॉल्टी वाटर के अंदर ही फ्रिज करते हैं, जमाते हैं, क्योंकि उसमें उनको लो टेम्परेचर मिल जाता है तो आइसक्रीम जल्दी जम जाती है और उसकी सॉलिडनेस ज्यादा अच्छी रहती है। अब मैं इसमें एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, पहला वाला क्वेश्चन तो फॉर्मूला वैसे ही रहता है मेरा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, यहां बेंजीन सॉल्वेंट है, यहां बेंजीन सॉल्वेंट है और इसका हमको केएफ की वैल्यू गिवन है, इसकी केएफ की वैल्यू हमको 4.90 गिवन है, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो इसका जो बेंजीन का जो ये जो सारे दे रखे हैं वो बेंजीन के दे रखे हैं और यहां पर बेंजीन सॉल्वेंट है, तो यहां पर ये 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है हमारे को, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.816 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए, तो यहां पर ए हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहां पर ए क्या हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि क्या है यहां ए है, तो ये ए का डब्ल्यू ए से डिनोट कर रहा हूं यहां पर मैं, फिर क्योंकि ए मैं क्वेश्चन में मेंशन है इसीलिए 0.816 ग्राम, और बेंजीन जो कि सॉल्वेंट है, बेंजीन का जो मास हमको गिवन है वो है 7.5 ग्राम, और इस बेंजीन सॉल्यूशन का जो बेंजीन सॉल्यूशन का बेंजीन फ्रिज एट 1.59, ये हमको गिवन डेटा है जो मैं बोर्ड पे लिख दिए, और डेल्टा डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी डब्ल्यू ए एम ए, या डब्ल्यू ए मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और 1000 और बेंजीन, मैं एम ए को इधर ले लेता हूं, तो के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डेल्टा टी एफ इंटू, जब मैं इसकी यहां वैल्यू पुट करूंगा तो हमको के एफ की वैल्यू गिवन है, के एफ इज 4.9, डब्ल्यू ए इज 0.816, 1000 डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू मैं इस बॉक्स में अलग से फाइंड आउट कर रहा हूं ब्लू बॉक्स के अंदर, तो डेल्टा टी एफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, डेल्टा टी एफ इक्वल टू ये दे रखा है हमारे को 5.51 माइनस 1.59, ये दोनों वैल्यू
जिसमें रेड टिक किए हैं वो दिए हुई है हमारे को, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.92, तो ये 3.92 मैंने यहां रख दिया, ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई। उसके साथ बेंजीन का दे रखा हमारे को ये रहा 20, बेंजीन हमारे को कितना दे रखा है सॉरी 7.5, ये रहा 7.5 ग्राम। अब इसको सोल्व, अब आप इसको सोल्व कर लेना तो सीधा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए आ जाएगा और इसका आंसर मुझे मालूम है 136 आ रहा है, तो आप चेक कर लेना 136 आ जाएगा आई थिंक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है एक बार। नेक्स्ट वाला रीड करें क्वेश्चन को, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज। टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एबी, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Ab2 एंड Ab4। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, या बेंजीन सॉल्वेंट है तो 1 ग्राम ऑफ Ab2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट 2.3, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ Ab4 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट 1.3। द मोलाल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजीन इज मोलाल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजीन इन 1000 ग्राम इज 5.1। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, ये हमको कैलकुलेट करना है फॉर्मूले। अब इस केस में क्या, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का भी पार्ट आ गया, दो इक्वेशन बना लेंगे, एक तो Na(b)2, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया, Kf WaB2 into 1000 डेल्टा Tf Ab2 into, या फिर सॉल्वेंट बेंजीन। सिमिलरली Na(b)4 Kf into WaB4 into 1000 delta Tf Ab4 into, ये फॉर्मूले तो अपन बार बार यूज कर ही रहे हैं। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, Kf की वैल्यू जो गिवन है 5.1, ये गिवन है 5.1। 1 ग्राम ऑफ Ab2, ये 1 ग्राम ऑफ Ab2 इंटू 1000, 1 ग्राम ऑफ Ab2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3। लास्ट में इसी लाइन में, लास्ट में रेड सर्कल में लिखा हुआ है कितना बेंजीन लिया हुआ है, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। सेकंड वाली लाइन में लास्ट में जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो Na(b)2 की वैल्यू यह लिख लेते हैं। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आई थिंक अप्रोक्स 110 के आसपास आएगी, 110.87 या 86 आएगी। और इसी तरह से Na(b)4, तो Kf की वैल्यू 5.1, 1 ग्राम ऑफ Ab4, ये रहा Ab4 1000। अब 1 ग्राम ऑफ Ab4 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट 1.3, ब्लू अंडरलाइन में लिखा हुआ है ये 1.3, इंटू ये आ जाएगा बेंजीन का मास 20 ग्राम।
अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 195 या 196 के आसपास आता है, 196 के आसपास आएगा ये। अब हमारे पास, हमने इन फॉर्मूले को यूज करके मोलिकुलर मास ऑफ Ab2 फाइंड आउट कर लिया 110.86 और मोलिकुलर मास ऑफ MaB4 फाइंड आउट कर लिया 196.5। अब हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे देखिए। इसके अंदर A का एटॉमिक मास A अज्यूम कर लेता हूं और B का एटॉमिक मास B अज्यूम कर लेता हूं, तो MaB2 इक्वल्स टू A प्लस 2B, ये इसका सम है, A का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू B का एटॉमिक मास। ये वाली वैल्यू हमारे पास 1A+2B, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से मैं MaB4 को क्या लिखूंगा, A इंटू 4B, A का एटॉमिक मास A एंड B का B है तो 4 है यहां पर। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे को कितनी गिवन है, 196.15 A प्लस 4B। अब इक्वेशन फर्स्ट, अब जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 196.15 इक्वल्स टू A प्लस 4B, ये इक्वेशन सेकंड है, और इक्वेशन फर्स्ट है 110.86 इक्वल्स टू A प्लस 2B, इसको माइनस कर लूंगा तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2B, और इसको 196 ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो 85.28 आ जाएगा। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85.28 डिवाइड बाय 2 अप्रोक्स 42.62 के आसपास आ जाएगी। तो B का एटॉमिक मास 42.62 आ गया। अब B की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करके हम A की वैल्यू निकाल लेंगे और A की वैल्यू आ जाएगी 25.59 के आसपास आएगी। आप इसको सॉल्व कर लेना। आई थिंक आज की क्लास से आप फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।